रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की सुपरहिट फिल्म गली बॉय हुई ऑस्कर से बाहर और इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर का इस पर रिएक्शन सामने आया है। स्पॉट बॉय से बातचीत में उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है, हालांकि वो इस बात से खुश भी है कि फिल्म वहां तक पहुंची। ये भी बड़ी बात है। हम दुखी है कि गली बॉय ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई, लेकिन खुश इस बात की है कि वहां तक पहुंचे और मुकाबला किया। उन सारी फिल्मों को मेरी बहुत शुभकामनाएं जो आगे गई है। इनसे पहले कंगना रनौत की बहन रंगोली के निशाने पर आई थी गली बॉय। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से आलिया भट्ट की गली बॉय को लेकर लिखा है कि ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म 8 माइल की कॉपी है। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन हॉलीवुड फिल्म 8 माइल। यहाँ के मूवी माफिया चाटुकर क्रिटिक्स के चाटने से क्या होता है? इट्स नॉट ओरिजिनल कॉन्टेंट लाइक उरी एंड मणिकर्णिका। Why Hollywood will give award to a film which is copied from their film? बता दे, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय, जिसे भारत की तरफ से 92nd ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए चुनी गई थी, जो अब इस रेस से बाहर हो गई है। इसे लेकर अब तक रणवीर या आलिया ना ही डायरेक्टर जोया अख्तर का रिएक्शन आया है। फिल्म गली बॉय के ऑस्कर से बाहर होने से आपके क्या रिएक्शन है? पोस्ट करिए अपने कॉमेंट्स। Award means so much to me. Thank you so much to the Academy. So I'm a huge creature of habit and I believe a lot in luck. I believe the universe has some way of making things happen for you. This is a little strange, so bear with me. I have a thing where if I want something really badly and it's like something that I want, or like an award or a film or maybe something health related or maybe even a holiday or something to do with like just anything, I just act out that particular situation by myself in my bathroom in front of my mirror. It's just an act that I put up to myself. So for example, now I really want to eat a pizza. Okay, this is really random. So I really want an Oscar. Okay, so literally this is me in front of the mirror. This award means so much to me. Thank you so much to the Academy. That's literally what I will do. So that's my lucky charm, guys. Pretending, acting to myself and putting the energy out there.